हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे ओम टेक वर्ल्ड पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको डेस्कटॉप सेटिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि हम डेस्कटॉप की सेटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरा जो डेस्कटॉप है थोड़ा सा बिखरा हुआ सा है, मैशअप सा हो रखा है, तो यह देखने में कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है और इससे भी ज़्यादा फाइल्स होती हैं कई बार हमारे पास, तो और भी ज़्यादा रहता है और मुझे फिर फाइलों को या फोल्डर को किसी को डेस्कटॉप पर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये हमें जनरली हमें ऑफिस में अपने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, हमको कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे कुछ फोल्डर्स हैं या कुछ फाइल्स हैं जो एक फोल्डर के ऊपर आ रखे हैं, किसी दूसरे आइकन के ऊपर दिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से सब बिखरे हुए हैं। तो चलिए, हम इसको कैसे अरेंज करेंगे तो देखते हैं। देखिए, हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पर कुछ कॉन्टेक्स्ट मेनू शो करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा व्यू का। तो देखिए, व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन, अलाइन आइकन टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन स्मॉल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अलाइन आइकन टू ग्रिड से। तो देखिए, अगर मैं जब अलाइन आइकन ग्रिड को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर मेरे कुछ फोल्डर्स हैं जो इस फोल्डर के ऊपर ही आए हुआ है। यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसे ही मेरे जो फाइल या फोल्डर हैं एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अलाइन आइकन टू ग्रिड करता हूँ तो मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जो मेरे आइकन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। ये देखिए, तो मेरा जो आइकन है यहाँ पे सब सेपरेट हो गए हैं, ये एक अलाइनमेंट में आ गए हैं, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली लाइंस में डिवाइड हो गया है। तो देखा आपने दोस्तों कि हमारी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। अब देखते हैं ये जो अभी बिखरा हुआ है इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन होता है ऑटो अरेंज आइकन का, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे जितने भी डेस्कटॉप के आइकन थे वो एक बड़े ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो गए एक लाइन के अंदर। उसके बाद देखिए, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है शो डेस्कटॉप आइकन का। अगर मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप में आइकन मुझे ना दिखे, मैं नहीं चाहता हूँ कि सारे आइकन हट जाए, मैं चाहता हूँ कि हट जाए यहाँ से, तो क्या करेंगे, देखिए शो डेस्कटॉप आइकन, तो मेरा सारे ऑप्शन यहाँ पर हट गया। और मैं वापस अगर लाना चाहता हूँ तो वहीं से व्यू में गए और हम शो डेस्कटॉप आइकन से वापस ला सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे पास ये ऑप्शन आता है लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। देखिए, नाम से पता चल रहा है हमें कि इन आइकन्स का साइज़ की बात हो रही है कि इनका जो साइज़ है वो बड़ा होगा, छोटा हो जाएगा, इस हिसाब से। अगर मैं लार्ज आइकन कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा आइकन कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अगर मैं यहाँ पर इनको मीडियम करता हूँ तो ये देखिए मीडियम हो गया। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर स्मॉल आइकन करता हूँ तो ये स्मॉल हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे मेन्यू की, सॉर्ट बाय की। तो ये सॉर्ट बाय हमारा जो मेन्यू है, ये हमारे जो आइकन्स हैं डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन शो कर रहे हैं, इनको इनके नाम के हिसाब से, इनके साइज़ के हिसाब से, इनके आइटम टाइप के हिसाब से और इनके डेट मॉडिफिकेशन के हिसाब से इनको अरेंज करता है। हमें हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से इनको अरेंज कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं इनको डेट मॉडिफाई के हिसाब से अरेंज हो जाए तो वो उस तरीके से अरेंज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर ये आइटम टाइप के हिसाब से अरेंज हो जाए तो आइटम टाइप के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। और हम यहाँ पे साइज़ के साथ हैं तो साइज़, और इसी तरीके से नेम का तो नेम से। तो हम इसको अपने सहूलियत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अरेंज करें ताकि हमें किसी फाइल फोल्डर या किसी एप्लीकेशन के आइकन्स को ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद देखिए, हमारे पास आता है यहाँ पे नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा तभी आता है जब हमारे डेस्कटॉप पर हमने स्लाइड शो लगा रखी हो। तो मैं इस ऑप्शन के बारे में अभी बाद में बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा इसको ये कब हटेगा और ये कब आएगा। तो उसके बाद देखिए, हमारा इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स आ रही है। तो ये सेटिंग्स वगैरह से रिलेटेड है, ग्राफिक्स से सेटिंग्स से रिलेटेड है, तो इसको हम नहीं छेड़े तो ज़्यादा बेटर है। और इसके बाद देखिए, हमारे पास न्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ न्यू पर हमारे पास कुछ हमारे जो प्रोग्राम्स फाइल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनके कुछ शॉर्टकट्स क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से हम यहीं पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ पे पावर पॉइंट का भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप अगर ये सब बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे पास दोस्तों ऑप्शन आता है हमारे पास डिस्प्ले सेटिंग का। तो डिस्प्ले सेटिंग में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ डिस्प्ले सेटिंग पर हमारा ब्राइटनेस एंड कलर्स आ रहा है। तो देखिए, अगर मैं अपने डेस्कटॉप का ब्राइटनेस कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ इस तरीके से, और मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ। नाइट लाइट है, मतलब कि अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो रात के टाइम में मेरी जो डेस्कटॉप का लाइट है थोड़ा सा डिम हो जाएगा, जो मेरी आंखों को चुभेगा नहीं, तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ।
और यहाँ पे देखिए साइज़ है, मैं अगर इसको 125% पे ले आता हूँ तो मेरे देखिए यहाँ पे सारे आइकन के साइज़ और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे मैं इसको 100% ही रख देता हूँ। उसका देखिए रेजोल्यूशन है हमारा, देखिए यहाँ पे रेजोल्यूशन जो आ रहे हैं हमारा, हमारे जो स्क्रीन है उसके हिसाब से है। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे मेरा ये स्क्रीन छोटा सा हो गया है, तो मैं कीप चेंजेस करता हूँ तो मेरा यही रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ मेरा जो रिकमेंडेड आ रहा है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कीप चेंजेस। उसके देखिए ओरिएंटेशन आ रहा है, अगर मैं लैंडस्केप, अभी मेरा लैंडस्केप में ही है ये, इस तरीके से पोर्ट्रेट करूँगा तो ये मेरा चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे चेंज होता है। और इसके बाद इसको फिर चीज़ को वापस लैंडस्केप में लाने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है ये, कैसे इसको करेंगे। देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, तो ये देखिए मेरा ये यहाँ पे इस तरीके से आइकन आ गया है। देखिए अगर मैं इसको 10 सेकंड तक कुछ भी नहीं करता हूँ तो ये वापस मेरा मेरी प्रीवियस पोजीशन पर ही आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, तो ये देखिए। तो देखा दोस्तों आपने, हमने अगर जो पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया तो हमारा क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे लैंडस्केप फ्लिप करता हूँ तो मेरी पूरी स्क्रीन ही फ्लिप हो जाएगी। देखिए मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन यहाँ पे उल्टी हो गई है। और ऐसे ही हमारा पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये भी वही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये थोड़ी एडवांस सेटिंग्स वगैरह हैं, मल्टीपल डिस्प्ले बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अगर हमारे पास विंडो 10 में हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम वायरलेस डिस्प्ले, मतलब आजकल हमारे टीवी या हमारे कुछ ऐसे कंप्यूटर्स भी आ रहे हैं जो वायरलेस, उसमें कनेक्टिविटी होती है, हमारे टीवी में भी कनेक्टिविटी वायरलेस वाले आ रहे हैं कुछ, तो हम उनको अपने इस कंप्यूटर के इस विंडो 10 के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अगली सेटिंग्स पे। आज देखिए पर्सनलाइज, अब पर्सनलाइज में क्या चीज़ें होती हैं, तो पर्सनलाइज में देखिए हमारा बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हम अपना डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लाइड शो ले रखा था, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे मेरा नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और अगर मैं सॉलिड कलर करता हूँ सेलेक्ट, तो देखिए यहाँ पे मैं जो भी इस कलर सेलेक्ट करूँगा तो सिर्फ कलर कलर आएगा। और मैं यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं एक इंडिविजुअल पिक्चर लगा सकता हूँ अपनी, जो भी मैं चाहूँ, मेरे को जो भी अच्छे लगते हो, मेरे पास अगर खुद की है तो मैं खुद की लगा सकता हूँ, अदरवाइज विंडो हमें कुछ रिकमेंडेड करता है तो हम वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे हमारा फील आ रहा है, तो मैं यहाँ पे यह चूज़ अब फिट, मतलब स्क्रीन के हिसाब से कैसे फिट होगा। देखिए मैं फिट के पे करता हूँ तो देखिए इस तरह से चेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, आप देखते जाएंगे यहाँ पे किस तरह से चेंजेस होते हैं। ये देखिए मैं स्ट्रेच करता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे टिल करता हूँ तो, सेंटर पे करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, और मैं स्पैन करता हूँ तो आप अपने हिसाब से आपको जो बेटर लगता है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पे कलर्स वगैरह आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये पिंक पिंक सा आ रहा है इसकी जगह मैं कुछ और कलर ले लूँ, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर का सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अब ये ब्लू हो चुका है। इस तरीके से हम इसको ब्लू कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, तो वो देखिए वो ट्रांसपेरेंसी हमारी इस चीज़ के लिए होती है, देखिए मैं इसको अगर ऑन करता हूँ तो मेरा ये यहाँ पे बैकग्राउंड जो भी चेंज होगा उसके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। मैं एक बार और थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मैं इसको कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई सॉलिड कलर, तो देखिए यहाँ पे मेरा कलर्स पे आ गए। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मैंने ऑन कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। शो एसेंट कलर ऑन द फ्लोइंग सरफेस, देखिए अगर मैं इन पे सेलेक्ट कर देता हूँ तो मेरा देखिए यहाँ पे
स्टार्ट, टास्क बार, एक्शन सेंटर वगैरह जो होते हैं वहाँ पे मेरे इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। देखिए पूरा कलर ही चेंज हो गया यहाँ पे। टाइटल बार में अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, देखिए अगर टाइटल बार पे सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरा यहाँ जो टाइटल बार आ रहा है यहाँ पे, इसका कलर भी इस तरीके से चेंज हो रखा है। तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड, मतलब लाइट मैं डार्क करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा अच्छे से। देखिए इस तरीके से हो गया मेरा, ये किस तरीके से सेटिंग्स आ रही हैं। तो मैं इसको लाइट रखता हूँ। देखिए हाई कॉन्ट्रास्ट, अगर मैं हाई कॉन्ट्रास्ट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए क्या होता है। देखिए अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये देखिए मेरा इस तरीके से हाई कॉन्ट्रास्ट पूरा आ चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए मेरे ग्रे आउट हो गए हैं ऑप्शंस। तो ये था सर, ये था दोस्तों हमारा कुछ डेस्कटॉप से रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आए और आपको ये अपने डेस्कटॉप को अरेंज करने में काम में आए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।